नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं, जहां पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तुलसी का पौधा भेंट किया। वह इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना और मंत्री नीलिमा कटियार भी मौके पर मौजूद रही। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 75 आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा के लिए जरूरी सामानों का वितरण भी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ कानपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद रहीं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक खास संबोधन भी दिया है, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उनको लेकर। तो कानपुर यूनिवर्सिटी को और ज्यादा हाईटेक बनाने के उद्देश्य से यहां पर पूरा एक कार्यक्रम रखा गया था। इसके साथ ही आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको और ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसको और अच्छा करने, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने यूपी में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर कहा है कि मुझको एंटी मजनू स्क्वाड याद है, उनकी जबान लड़खड़ाती रही है। उमा भारती ने कहा कि वो पहले ओवैसी को एक सभ्य व्यक्ति समझती थी, लेकिन ये यूपी है, ऐसे में ये सब नहीं चलेगा। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वो यूपी में लैला बन चुके हैं और यूपी सीएम मजनू की तरह उन्हें याद करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को लेकर उमा भारती ने कहा है कि वो चाहती है कि कल्याण सिंह जल्दी से ठीक हो जाए। राम मंदिर के निर्माण में पहली आहुति कल्याण सिंह ने दी, बाद में मोदी जी ने संभाला। यूपी की राजनीति को लेकर भी उमा भारती ने कहा है कि मायावती जी खुद तो बाहर निकलती नहीं है और ब्राह्मणों की बात कर रही है, ये प्रयास विफल होंगे। तो उमा भारती ने विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि ओवैसी से लेकर मायावती पर वो बरसती हुई नजर आई। उनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं तब सबको सब कुछ याद आता है, लेकिन उससे पहले किसी को कुछ याद नहीं आता है। लेकिन यूपी की जनता फिलहाल जागरूक हो चुकी है, यूपी की जनता को पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2022 में जनता विपक्षी दलों को अच्छे से जवाब देगी। तो उमा भारती ने ओवैसी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि ओवैसी यूपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय पिछले कई दिनों से नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 जैसे नतीजे दोहराने के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने के बाद बीजेपी अब सांसदों को यूपी मिशन में लगाने जा रही है। इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू हो रही है, जिसमें यूपी के सभी सांसद शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी सांसदों से फीडबैक लेने के साथ ही 2022 के चुनाव का खाका तैयार किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों ब्रज, पश्चिम, कानपुर, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। 2017 में यूपी की बागडोर संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब दिल्ली में सीएम योगी और यूपी के सभी सांसदों के साथ एक साथ बैठक हो रही है। तो मिशन 2022 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बीजेपी की ओर से। 2017 जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है और बीजेपी ये चाहती है कि 2017 में जिस तरह से बीजेपी की बंपर जीत हुई थी उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी 2022 में लेकर आए। तो ऐसे में तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये पहला मौका होगा जब 2017 के बाद इतने बड़े स्तर पर यह बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक होगी, जेपी नड्डा इसमें मुख्य रहेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और यहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ पार्टी पदाधिकारी वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मंथन किया जाएगा 2022 को लेकर। विधानमंडल के मॉनसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। विपक्ष के विधायक विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने को अड़े रहे। इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने दोपहर 1 बजे कार्यमंत्रणा की बैठक करने का वादा किया। इसके बाद विपक्ष के विधायक सदन के अंदर गए।
कार्रवाई शुरू होने के बाद राजद विधायक ललित यादव ने विधायकों से मारपीट का मामला उठाया। जवाब के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि विपक्ष के बहिष्कार की खबर से मन उदास हो गया था, आप लोग नहीं रहते तो मन नहीं लगता। जवाब में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि पब्लिक है, सब जानती है। संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर विपक्षी सदस्यों की टिप्पणी भी लगातार जारी है। हम प्रवचन सुनने के लिए सदन में नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी सदन में पहुंचे हैं। तो बहिष्कार छोड़ कार्रवाई में पहुंचे विधायक, तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रवचन सुनने नहीं आए हैं, इस तरह की बातें यहां पर कही गई हैं। साथ ही साथ हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स लेकर, कुछ तख्तियां लेकर यहां पर जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो मौजूद रहे। कार्यकर्ता सदन के बाहर रहे, वहीं विधायक बहिष्कार छोड़ कार्रवाई में पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर भी वो तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। तो बेरोजगारों को रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, तमाम बातें जो थी, वो स्लोगन जो है वो उनके तख्ती पर लिखे हुए थे। और कुछ ऐसे थे जो हेलमेट पहन कर गए थे, क्योंकि महंगाई का वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुधवार को अहिरवाल क्षेत्र में रहेंगे। सीएम नारनौल में दोसी के पहाड़ का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही रेवाड़ी के दिल्ली रोड पर केएलपी कॉलेज के ऑडिटोरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए रेवाड़ी और नारनौल पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यक्रम स्थल से लेकर उनके पूरे रूट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते कई जगह विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और इसका सामने कई बार खट्टर कर चुके हैं। हालांकि रेवाड़ी और नारनौल में किसान आंदोलन को कोई बड़ा असर नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस की हुई है। फिर भी पुलिस के जवानों को पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात किया गया है। बता दें कि नारनौल में ऐतिहासिक दोसी का पहाड़ है, इसे टूरिस्ट रिसोर्ट बनाने के लिए नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इसके बाद सीएम ने खुद इस डोसी के पहाड़ का निरीक्षण करने का वादा किया था। बुधवार को सीएम मनोहर लाल इसी डोसी के पहाड़ का निरीक्षण करने वाले हैं। इससे पहले सीएम सुबह 11 बजे सीएल फार्म हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आए हैं। तो केएलपी कॉलेज में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे सीएम खट्टर, और इनका निरीक्षण भी है। निरीक्षण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दोसी का पहाड़ का निरीक्षण करेंगे सीएम खट्टर। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते सीएम खट्टर की सुरक्षा में इंतजाम ज्यादा किए हुए हैं, क्योंकि कई बार सीएम खट्टर को किसानों का विरोध झेलना पड़ा है, कई बार इनके काफिले को वापस लौटना पड़ा है। ऐसे में जब ये दोसी का पहाड़ जाएंगे तो वहां पर पूरी तैयारी चप्पे चप्पे पर कर ली गई है। तो केएलपी कॉलेज में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए सीएम खट्टर, और वहां पर आगे किस तरह से प्रदेश का विकास करना है इसको लेकर भी चर्चा की गई है। करनाल में दो दिन में अच्छे स्तर पर वैक्सीनेशन होने के बाद बुधवार को फिर से स्टॉक कम हो गया। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आज मात्र 17 स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविर लगाया जाएगा। यहां करीब 2500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन शिविरों में 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मंगलवार को जुलाई महीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 15,800 वैक्सीन लगाई गई हैं, जो जुलाई महीने में हर दिन मिलने वाले आंकड़े से सबसे ज्यादा है। बुधवार को सामान्य अस्पताल, कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, अर्जुन गेट, शिव कॉलोनी, निर्मल कुटिया और सेक्टर 16 में शिविर लगाया गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तीन दिन तक काफी अच्छे से वैक्सीनेशन चला, लेकिन आज फिर से स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। सिर्फ आज 17 जगहों पर ही वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में पहली बार ऐसा हुआ यहां पर कि 15,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई हो। राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के विधायकों के साथ रायशुमारी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर अब तक हुए काम की प्रगति का रिव्यू करने वाली बैठक बुलाई है। घोषणा पत्र पर हुए काम का विभागार रिव्यू करने के लिए सीएम ने सीएम निवास पर सभी मंत्रियों को बुलाया है। इस रिव्यू बैठक में सभी विभागों के ACS और प्रमुख सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। अजय माकन की रायशुमारी के दिन ही घोषणा पत्र के काम पर रिव्यू बैठक बुलाने पर चर्चाएं हैं।
लंबे समय से घोषणा पत्र पर हुए कामकाज की समीक्षा नहीं हुई थी। मंत्रिमंडल फेरबदल और पार्टी की खींचतान मिटाने को लेकर जब से कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान पर फोकस शुरू किया है, घोषणा पत्र के कामों को लेकर अचानक तेजी दिखाई देने लगी है। सचिन पायलट कैंप घोषणा पत्र में जनता से किए वादों को समय पर पूरा करने की मांग उठाता रहा है। सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों में घोषणा पत्र पर काम भी एक प्रमुख मांग थी। यही कारण है कि हाईकमान का राजस्थान पर फोकस होते ही सीएम ने घोषणा पत्र को लेकर मॉनिटरिंग बढ़ा दी है और मंत्रियों की बैठक भी बुला ली है ताकि पायलट कैंप इसे मुद्दा ना बना सके, क्योंकि इससे पहले भी तमाम चीजों को लेकर पायलट कैंप मुद्दा बनाता हुआ नजर आया है। तो रायशुमारी के बीच सीएम को घोषणा पत्र की याद आ गई है। वादों पर हुए काम की समीक्षा भी खुद सीएम गहलोत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अजय माकन पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और बैठकें का दौर जो है वो भी लगातार देखा जा रहा है। बैठकों पे बैठक हो रही है, साथ ही साथ जो वादे किए थे उस पर कितना काम हुआ है इसकी भी समीक्षा खुद सीएम गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई शुरू से ही नजर आती है, लेकिन अब जो है उसके बटने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। ललितपुर में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिले के थाना सौजना के गांव कोरवास में कैंप लगा था। गांव की प्राइमरी विद्यालय लगे कैंप में टीका लगाने की जानकारी मिलने पर लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो वैक्सीनेशन ना होने से नाराज थे। इसके बाद पुलिस ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, काफी दबाव भी किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बीच एक शराबी युवक भीड़ से निकलकर और पुलिसकर्मी पर लाते चलाने लगा। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से खदेड़ दिया। तो वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा नजर आया है, पुलिसकर्मी को शराबी ने लात मारी है। ललितपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोग काफी नाराज नजर आ रहे थे। उनका मानना था कि हम वैक्सीन लगवाने रोज लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की डोजेस खत्म हो जाती है, तो ऐसे में वो काफी परेशान है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस बल मौके पर मौजूद था, पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच एक शराबी जो है वो भीड़ से निकलकर पहुंचा और पुलिसकर्मी पर हमला करता हुआ नजर आया। ऐसे में वहां पर बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस और गांव वालों के बीच जो झड़प है वो साफ नजर आती है। गाजीपुर के थाना क्षेत्र में निशंस हथियारों ने खेत की जुताई करा रहे युवक को फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में बवाल हो गया, जिसके बाद पहुंचे सैदरपुर कोतवाल राजीव सिंह ने परिजनों और ग्रामीणों को किसी तरह समझाया बुझाया और करीब दो घंटे बाद शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए। अस्पताल में ही पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवक ट्रैक्टर चलाता था, जब वो सियावा इंटर कॉलेज के बगल में पूर्व ग्राम प्रधान हरिचंद यादव के खेत की जुताई कर रहा था, तभी वहां पर मुंह बांधकर दो बाइक सवार बदमाश पहुंचे और उसको पास बुलाया। जैसे युवक उनके पास पहुंचा, तभी दोनों बदमाशों ने असलाह निकालकर उसे फिल्मी अंदाज में गोलियों से भून दिया। तो बदमाशों का आतंक लगातार बरकरार है, युवक को गोलियों से भून दिया है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो गाजीपुर का एक पूरा मामला। तो गाजीपुर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। खेत पे काम कर रहे युवक को पास बुलाया, बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और नकाबपोश बदमाश थे। जैसे ही युवक उनके पास पहुंचता है, वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और फिल्मी अंदाज में युवक को गोलियों से भून देते हैं। मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुटी हुई है। जनपद गाजीपुर में सैदपुर थाना अंतर्गत सिहावा गांव में आज सायं 6 बजे के आसपास भिखईपुर निवासी अकरम पुत्र सरफुद्दीन, जो ट्रैक्टर से खेत जोतने का किराए पर काम कर रहे थे, सिहावा गांव में श्री हरिश्चंद यादव के यहाँ ट्रैक्टर से कार्य कर रहे थे। उसके बाद जब वो ट्रैक्टर खड़ा करके हरिश्चंद यादव जी के साथ बैठ करके वार्ता कर रहे थे, उसी समय कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना पर उनको तत्काल अकरम को CHC सैदपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया और मौके पर पुलिस बल पहुंचा। प्रारंभ में आपसी विवाद इन्हीं भिखईपुर के गांव के
निवासी नसीम का नाम आ रहा था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा कार्य किया, लेकिन बाद में मृतक अकरम की मां श्रीमती फरजाना ने थाना सैदपुर में तहरीर दे करके चार लोगों को, गुलशन यादव, संतोष यादव आदि चार व्यक्तियों को नामित किया गया है। उनकी तहरीर पे धारा 302 आईपीसी के तहत थाना सैदपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर्विलांस और स्वाट की टीम भी लगी हुई है, साक्ष्य को संकलित कर जो लोग भी इस घटना में संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक बैंक मैनेजर की काली करतूत सामने आई, जहां बैंक मैनेजर पर अलग अलग खाता धारकों के खातों से करीब 27 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम गोलमाल करके अलग अलग खातों से एक अकाउंट में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया। खाताधारकों को जब तक इसकी भनक लगी तब तक मैनेजर ने खाते खाली कर दिए थे। वही घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की, जिसके बाद अब जाकर मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो किसानों के खातों से 27 लाख रुपए बैंक मैनेजर ने निकाल लिए हैं। पुलिस ने मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पूरा मामला बरेली का बताया जा रहा है, जहां पर कई खाताधारकों के खातों से बैंक मैनेजर ने 27 लाख रुपए का गबन कर लिया, हेरफेर कर लिया। जब तक खाताधारकों को इसकी सूचना मिल पाती तब तक सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके थे, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। थाना मीरगंज में भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक श्री सौरभ त्रिवेदी ने एक FIR पंजीकृत कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध ऑडिट में कुछ आपत्तियां लगाई गई थी, जिनके कारण जो है विभागीय कार्रवाई हुई थी और जांच में ये पाया गया है कि उन्होंने कई किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके अकाउंट में जो पैसा गया था उन्होंने वो निकाल दिया है और ये पैसा अनियमित तरीके से निकाला गया है और जांच में वो दोषी पाए गए। इसके संदर्भ में पूर्व जो बैंक मैनेजर थे कपिल कुमार के विरुद्ध 406 409 IPC का मुकदमा थाना मीरगंज में पंजीकृत होकर उसकी घोषणा की जाए। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में USID निष्ठा पद संस्था के राज्य प्रभारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भेंट की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय ने USAID निष्ठा पद संस्था के राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा ने मुलाकात कर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भेंट किया है। संस्था के राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर संस्था की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि USAID निष्ठा पर संस्था ने अब तक राज्य के 129 स्वास्थ्य केंद्रों में 300 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि संस्था की तरफ से उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर का उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने USAID निष्ठा संस्था की तरफ से किए जा रहे कार्यों की सराहना की और राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा सहित पूरी टीम को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि COVID-19 संक्रमण काल में कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया है। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश की जांच कर रही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई साक्ष्य मिले हैं। जांच के लिए दिल्ली पहुंची पुलिस की टीम ने होटल विवांता के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इनमें होटल से निकलने के बाद झारखंड के तीनों विधायक के जय कुमार बेलखड़े के साथ जाने की बात सामने आई है। पुलिस की टीम अभी भी दिल्ली में कैंप कर रही है ताकि मामले में और साक्ष्य इकट्ठा किया जा सके। साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद पुलिस इसे अनुसंधान के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में जेल गए अभिषेक दुबे ने अपने बयान में कहा था कि रांची से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के बाद एयरपोर्ट से तीनों विधायक एक साथ इनोवा गाड़ी से होटल विवांता पहुंचे थे। 5 मिनट के बाद वहां एक मर्सिडीज गाड़ी पहुंची। इसके बाद जय कुमार बेलखड़े तीनों विधायक को गाड़ी में अपने साथ लेकर कई बड़े नेताओं के आवास गए। इधर रांची में पुलिस की टीम ने जांच के दौरान होटल लीले का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है।
फुटेज में जय कुमार बिलखड़े दिख रहे हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वो छापेमारी के दौरान होटल में ही मौजूद थे। उनके साथ होटल में महाराष्ट्र के मोहित भारती, अश्रु थक्कर और अमित यादव कुमार भी थे। और क्योंकि पुलिस ने अनुसंधान की कड़ी में उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी होटल से बरामद की है, इस तरह से पुलिस की जांच में तकनीकी और भौतिक साक्ष्य भी मिले हैं। उसके आधार पर जय कुमार बेलखड़े सहित चारों के रांची आने की पुष्टि हो गई है। हालांकि जय कुमार बेलखड़े ने अपने बयान में कहा है कि वो कभी झारखंड नहीं गए हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को हाईकोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर का आंकलन करने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में पेश अपने जवाब में बताया है कि सीमांकन आरक्षण और चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कई याचिकाएं अदालतों में लंबित हैं। इन पर फैसला आने और कोरोना की तीसरी लहर का आंकलन करने के बाद निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से इस बारे में विचार विमर्श करेगा। इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई की बैठक में प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा था कि राज्य में 15 सितंबर से 347 नागरिक इकाइयों और दिसंबर से पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू की जाएंगी। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि अगर स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं तो पूरा सरकारी तंत्र इससे प्रभावित हो जाएगा। इस बीच अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। याचिका में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी के पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए मांग की गई थी कि एमपी में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ होने तक रोके जाएं। तो कोरोना की तीसरी लहर को देखकर बड़ा फैसला एमपी में होने को लेकर है। दरअसल नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर यह फैसला लिया गया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर चुनाव जो है वो स्थगित कर दिए जाएंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, विपक्ष तो इसका दावा करता ही था। कई बार एनडीए से जुड़े लोगों ने भी ये कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले ही वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने यहां तक कहा कि एनडीए में मंत्री विधायकों की नहीं सुनी जाती। अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दे दिया है। 15 अगस्त को तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनकर पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में खलबली मच गई। राष्ट्रीय जनता दल विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए में हो रहे घटनाक्रम को खेला बताया है। कहा है कि इस खेले से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गांधी मैदान में तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। कानपुर में लगातार हो रही बारिश और आंधी से कच्चा मकान गिर गया। इसी के चलते मकान में रह रहे पति पत्नी की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मलबे में दबकर घर में 3 बकरियों की भी दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों का शव मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जिस मकान के गिरने से दुर्घटना हुई उस मकान को प्रशासन की तरफ से बारिश के पहले ही मरम्मत के लिए चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन काम समय पर ना होने के चलते ये दुर्घटना हुई है। तो कानपुर में लगातार बारिश का कहर बरकरार है। लगातार बारिश से कच्चे मकान ढहते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कच्चा मकान ढहा जहां पर पति पत्नी की मलबे में दबने से मौत हो गई, कुछ मवेशियों की भी जान चली गई। कानपुर में बच्चों की सेहत के लिए शासन की तरफ से अभियान शुरू हो रहा है। इसमें 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। इसी कड़ी में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के समक्ष में बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा है कि विटामिन ए से बच्चों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, इसके लिए सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाए। डॉक्टर जतारा ने कहा है कि अभियान के तहत 9 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी, जिसमें 9 से 12 महीने तक के बच्चों को आधा चम्मच खुराक दी जानी चाहिए। तो बच्चों की सेहत के लिए कानपुर देहात में एक अभियान शुरू होने जा रहा है। बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने की तैयारियां चल रही हैं। तो डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिगड़ते मौसम में और कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जिस तरह से है उसको लेकर यह जरूरी है।
ललितपुर के मनावरा थाना क्षेत्र में नदी के पुल पर किनारे खड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नदी में जा गिरी। वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर नदी के पुल किनारे ट्रैक्टर खड़ा कर किसी से बात करने लगा था, जिसके चलते ड्राइवर घटना का शिकार होते होते बच गया। वहीं नदी किनारे खड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रैक्टर में कोई व्यक्ति सवार नहीं था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। तो नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली जा गिरी। हालांकि राहत की बात यह है कि उस वक्त ड्राइवर जो है वो फोन पर साइड में खड़ा होकर बात कर रहा था, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि अनंतित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे जा गिरी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।